हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी.com। तो पिछली बार मैंने लास्ट लेक्चर में, अगर आपने पिछला लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वाला सेशन देख लें। इस सेशन में मैं थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो इसके बाद एक सेशन और करेंगे तो इससे भी थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। लेकिन अभी ये जो प्रीवियस IBPS PO SBI PO में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं उस लेवल के क्वेश्चंस अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, सॉल्व करके दिखाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर थोड़े से क्वेश्चन और करवाइए ताकि जो फंडा है वो समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा जैसे कि आपको पहले पता ही होगा कि मान लीजिए आपको इक्वेशंस दी होंगी, दो इक्वेशंस दी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। आपको x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, x की दो वैल्यूज निकल जाएंगी, ठीक है, और y की दो वैल्यूज निकल जाएंगी, राइट। और फिर आपको इन ऑप्शंस में से एक टिक करना होता है, क्या x y से बड़ा है या छोटा है, या इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, या कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन को टिक करना होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अभी देखिए, पहली इक्वेशन को पकड़िए, 81x² - 9x - 2। अभी इसको ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पे इसके फैक्टर चाहिए हमें, इसके फैक्टर चाहिए, राइट। 81 और 2 दोनों के फैक्टर्स चाहिए हमें। तो ये तो वैसे ही 3 × 3 × 3 × 3 × 2। अभी आपने ये नंबर्स यूज करके 9 के फैक्टर्स बनाने हैं। दैट मीन्स व्हाट, 3 × 3 × 3, ये कितना बन जाता है आपका, 3 × 3 आपका बन जाता है 9, और 3 × 3 × 2 ये बन जाता है आपका 18। 18 में से मैं 9 माइनस करूंगा तो मेरा 9 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 18 मैं माइनस का लूंगा और 9 जो है प्लस का लूंगा, ताकि मेरा जो टोटल है वो माइनस नाइन बनेगा। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी x का वैल्यू आपका पहला वैल्यू तो आ जाएगा यहाँ से -9/18। दूसरा वैल्यू आ जाएगा आपका x का 18/81। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। जो पहली बात, तो ये 9 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, तो 9 से है तो सीधा सीधा करते हैं इसको। इसका जो आपने x की वैल्यूज निकालनी है, ये आपने नेचुरल नंबर में निकालें, जैसे 1.2.8456 ऐसे करें। तो इससे क्या होगा कि आप अगर कंपेयर करते हैं x को y से, तो कंपैरिजन जो है वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इसको मैं सीधा सीधा अपने माइंड में डिवाइड कर लूँगा, 20 को 9 से डिवाइड करूँगा, तो मेरा 0.22 जो है, ये मेरा सिंपल वे में आंसर मेरा आ जाएगा। ये इसका हाफ है लेकिन माइनस में है, राइट। 9 18 का हाफ होता है, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी x की जो है वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अभी मैं y की वैल्यूज़ निकालूंगा, 56y² - 13y - 3 = 0। 56 है और 3 के फैक्टर्स चाहिए हमें, राइट। अभी देखिए, 2 × 2 × 2 8 7 56 × 3। अभी 13 के बराबर लेकर आना है हमने, तो कैसे, कौन सा नंबर लेकर आएंगे, 7 3 = 21 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूं, 21 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूं तो मेरा 13 आ जाता है, राइट। तो -21 लेंगे और 8 जो है वो प्लस का लेंगे, ताकि -13 हमारा बन जाए। तो y की वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस लेकर आएंगे, डिवाइडेड बाय 56, ये वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। दूसरी y की वैल्यू आएगी, ये माइनस में आएगी क्योंकि यहाँ प्लस पे है, सिंबल उल्टे हो जाते हैं, और डिवाइडेड बाय 56। अभी यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ पे बन जाएगा 7 से सीधा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे सीधा 8 से डिवाइड हो रहा है। तो पॉइंट्स में ले आइए अपना, जो भी आपका आंसर है वो पॉइंट में ले आएंगे तो सुखी रहेंगे, तो आसानी से निकल जाएगा। अभी इसको देखिए, कंपेयर कीजिए, -0.11 ये इससे तो छोटा है, राइट, लेकिन इससे बड़ा है।
जब भी कभी आपकी एक्स की वैल्यू इन दोनों के दो वाई की दो वैल्यूज के बीच में आ जाती है तो आप नो रिलेशन को टिक करेंगे और घर आएंगे, कोई रिलेशन नहीं बनता। ये यहाँ 0.37 से छोटा है, 0.14 माइनस 0.14 से ये नंबर बड़ा है, तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता है। तो सी है जो आपका आंसर है, यहाँ पे सी आपका आंसर है, टिक करें और घर आए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 8p का स्क्वायर माइनस 62p प्लस 117, इसको करते हैं सिंपली। 8p का स्क्वायर माइनस 62p प्लस 117। अभी यहां पे देखिए, इसके आपको चाहिए फैक्टर्स चाहिए, 2 × 2 × 2, 117 के फैक्टर्स चाहिए। माइंड में कोशिश कीजिए 117 को 3 से डिवाइड करने की, हाँ जी हाँ हो रहा है, 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 × 3 = 9 आ गया, 2 × 7 = 27 है, तो वो भी आगे डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो फिर यहाँ पे था 2 × 2 × 2, 3 × 3 = 9, और इसको मल्टीप्लाई करें 13 से, 117 के फैक्टर, 117 सीधा आपको पता ही है 13 से डिवाइड होता है, 13 × 9 = 117। सिंपल वे में अगर आपको टेबल्स यहाँ पे याद है ना, अगर आपको टेबल्स याद है, ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत आसान है। 117 के फैक्टर्स निकालने हैं तो 13 का टेबल तो कम से कम आपको याद होना चाहिए, इतना तो मिनिमम आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अभी 62 चाहिए तो कैसे लेकर आएंगे, ये थोड़ा एक स्किल वाला काम है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ 62 मैं कैसे लेकर आऊँगा, 13 × 2 = 26 आ जाएगा, और 2 × 2 = 4 × 9 = 36, राइट। 36 और 26 जो है ये आपका 62 टोटल बना देता है, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस में आएंगे, राइट। माइनस में आ गए हैं तो पी की वैल्यू बन जाएगी 36/8, और दूसरी पी की वैल्यू बन जाएगी 26/8। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालें तो 4.5 यहाँ अब निकलती है, और 3.24 और 20 तो आपकी बन जाती है 3.25 शायद इसके तकरीबन आपकी निकल जाती है वैल्यूज। यहाँ पे जो पूरा स्किल है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का जहाँ पे मैं कहता हूँ पूरा स्किल है, वो ये स्किल है कि आप ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स जो निकलते हैं, इसका जो टोटल है, जैसे 36 और 26 का टोटल 62 है, यही स्किल है। इसी में आपका टाइम थोड़ा सा खराब होगा, लेकिन इसको अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत आसान रहेगा। एक मिनट से पहले आप पेपर में निकाल लेंगे, और SBI की बात करें, IBPS PO की बात करें, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे फॉर श्योर। चलिए ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं अभी। 6q का स्क्वायर माइनस 71q प्लस 209 = 0। अभी यहाँ पे देखिए 23 का, यहाँ पे देख लीजिए 209 का अगर हमने निकालना है, राइट, 209 का निकालना है तो 209 ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, राइट। माइंड में कर लें, 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं होगा, 7 से, 7 × 2 = 14, 6 × 9 नहीं होता है जी, 7 से भी नहीं हो रहा, तो अगला प्राइम नंबर उस पर जाएं, 11 से डिवाइड हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है, तो 11 × 11 और उसके बाद 9 आपका 9 आ जाता है, और 1 9 बाकी जो बचा है, दैट इज हियर। तो ये एक फंडा दिमाग में रखें कि यार जब भी 209 आ गया, ऐसा कोई नंबर आ गया, पहले आप 2 या 3 से तो आपको पता चल ही जाएगा, अगर इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, ऑड नंबर है तो पहले 3 से करके देखें, नहीं होता फिर 7 से करें, 7 से नहीं होता तो 11 से, फिर 13 से, बस इससे आगे जाने की ज़्यादातर जरूरत नहीं पड़ती है। 11 के बाद आप कह लें, 13 के बाद मैक्सिमम 17 होता है, फिर 19 होता है बस, और 19 का टेबल कम से कम 17 का याद कर लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी देखिए आपने 71 बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, कोशिश करें पहले खुद से करने की, राइट। यहाँ पे 71 बनाना है, 3 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा 33 आएगा, अगर मैं 19 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो मेरा आ जाता है जी 38। 33 और 38 जो है ये मेरा टोटल 71 बनता है, दोनों माइनस में आएंगे, राइट, क्योंकि वैल्यू देखिए अभी कितनी आएगी, ये माइनस में था तो यहाँ प्लस में आएगा 33/6, दूसरी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 38/6, इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से मैं सीधा सीधा डिवाइड कर जाऊंगा इसको, 5.5 सीधा ही बनती है इसकी, इसकी कितनी बनेगी 6.20 है,
6.20, 6.3 समथिंग बनेगी, 3.3 शायद, राइट। तो अभी यहाँ पे देखिए, 4.5 जो है ये 5.5 से छोटा है, 6.33 से भी छोटा है, ये नंबर भी दोनों से छोटा है। तो सिंपली यहाँ पे पी जो है, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यूज नहीं है, यहाँ पे पी क्यू है, पी जो है ये छोटा है क्यू से। तो यहाँ पे मैं कहूंगा पी, एक्स को आप पी मान लें और वाई को आप मान लें क्यू। तो यहाँ पे पी जो है नहीं, पी जो है ये छोटा है क्यू से, राइट। और ये आपका आंसर है, पी छोटा है क्यू से। ओके, तो चलिए एक्स वाई से थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ये मैंने पिछले क्वेश्चन का ही उठा लिया है, एक्स वाई से कंफ्यूज ना हो, ये पी जो है ये छोटा है क्यू से, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं, 6p का स्क्वायर माइनस पी। अभी ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 6p का स्क्वायर माइनस पी माइनस 126। अभी 2 3 6 यहाँ पे आ जाएगा और इसका देखिए कितना आएगा, सीधा सीधा 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 6 और 3 तो आ ही जाएगा, 6 और 3 आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 तो ये आ गया, 6 3 हो गया। आपके माइंड में करें 2, उसके बाद कितना रहेगा, कोशिश करें इसको करने की, पहले माइंड में 2 2 3 था ये, उसके बाद 2 3 2 3 और फिर 3 से होगा और उसके बाद 7 से होगा, राइट। तो ये माइंड में करना है आपको, राइट। 2 3 6 2 3 6, उसके बाद 126 को माइंड में 2 से डिवाइड कर लें, 63 आ गया, फिर 3 से तो होगा ही, उसके बाद फिर से 3 से होगा, उसके बाद 21 को 3 से कर दिया, फिर 7 से होगा। तो माइंड में थोड़ा सा इसको करके चलें, राइट। अभी आपको पी की वैल्यू चाहिए बिल्कुल 1, कैसे करेंगे, ये थोड़ा स्किल वाला काम है, राइट। अभी ध्यान से देखें कि दोनों जो वैल्यूज आपको चाहिए बिल्कुल उन पास पास से चाहिए, राइट, सिर्फ एक का डिफरेंस चाहिए। तो कैसे, ये थोड़ा स्किल है, यहाँ पे कोशिश करें, 7 दुनी 14, आपको यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा, 7 दुनी 14 दुना 28, 3 3 9 27, एक का डिफरेंस है। इसको करने के लिए थोड़ा सा स्किल चाहिए। अगर आप 150 क्वेश्चन कर लेते हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसके बाद ये जो आप क्या कहते हैं फैक्टर्स जो है, ये जो टेक्निक है, ये आप आसानी से आप कर सकेंगे, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, राइट। बट कोशिश करें कि माइंड में फैक्टर्स बना लें, जैसे एक लाइन में लिख के फैक्टर्स बनाएंगे तो टाइम बहुत कम लगेगा। वैसे जो बचपन में आप करते थे 6 7 क्लास में, उसमें तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, एक क्वेश्चन को 3 मिनट तक लग जाते हैं, इस ये बहुत आसानी से होगा। दोनों जो थे 28 माइनस में आएगा, 27 प्लस में आएगा। तो पी की वैल्यू है, पहली वैल्यू तो इसकी आ जाएगी 28 डिवाइडेड बाय 6, दूसरी पी की वैल्यू आ जाएगी -27 डिवाइडेड बाय 6। अभी ये तो सीधा सीधा आप कर सकते हैं इसको, ये जो माइनस में वैल्यू आई है ये आएगी आपकी, पहले तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, सीधे 6 से डिवाइड ही कर दे, इसका वैल्यू आ जाएगा -4.5, 6 6 को 24 और 3 तो बच गया था। अभी इसका देख ले, 6 6 को 24, उसके बाद 4 बदल तो वो 6 6 आ गया। चलिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, दूसरी अभी क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अभी 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 59 क्यू प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अभी 2 और 3 के फैक्टर्स हैं यहाँ पे, और इसके 144 के फैक्टर्स बनाइए, माइंड में चलाइए कि यार 12 का स्क्वायर होता है 44, अभी 12 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 2 दुनी 4 3 12, 2 दुनी 4 3 12, ऑब्वियसली 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 दुनी 4 3 12। अभी 59 लेकर आना है तो कैसे लेकर आएंगे, पहले कोशिश करें, पहले क्या करें कि हाफ तक का मल्टीप्लाई कर लें, इतने नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें, एक नंबर लिख लें फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें, राइट। कोशिश करें अगर कुछ घटता बढ़ता है तो फिर एक नंबर ये वाला 3 2 वाला नंबर इधर डाल के देखें, आसपास आता रहेगा थोड़ा, जब 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 तक आपका जो एग्जैक्टली आपको आंसर है 59 आपका नहीं बनता है, तब तक थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट कीजिए, एडजस्ट करेंगे आप पहुंच जाएंगे, प्रैक्टिस है। अब कह लीजिए ये चीज़ को 15 20 25 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतने ऐसे इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो IBPS PO के एग्जाम में आज तक देखे भी नहीं है मैंने, इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट जो क्वेश्चन हैं वो पेपर में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। चलिए इसमें देखिए क्या क्या वैल्यूज़ बनती हैं मेरी, 59 अगर मेरे को चाहिए तो अगर मैं देखूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर से 2 मल्टीप्लाई तो 32, 32 और 27 को जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरा 59 बनता है, दोनों प्लस में है ये, राइट। तो
पहली क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 32/6, तो इस और दूसरी क्यू की वैल्यू आएगी, ये माइनस में है दोनों, -27/6, तो इनकी वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी, ऊपर वाले की वैल्यू आ जाएगी -5.3 और नियाज की वैल्यू जो आ जाएगी 6×24 और 4.5, -4.5। अभी ध्यान से देखिए क्या 4.6 इन दोनों से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है, पी जो है पहले के मुताबिक बड़ा है इस इक्वेशन के मुताबिक, इसके मुताबिक, लेकिन इसके मुताबिक जो है पी जो है इज लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, राइट। लेकिन यहां पे जो आंसर है वो आपको ये टिक करके आना पड़ेगा, पी इज फाइनली ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, राइट। -4.5 -4.5 के बराबर है, इससे तो 4.5 -4.5 इससे बड़ा है, लेकिन एक बार बराबर हो गया है तो P इज मोर देन इक्वल टू Q, ये आपका आंसर है, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको एक बार समझ आएगा। अभी वीडियो को एक बार पॉज कर ले और ये वाला क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। वीडियो को प्लीज एक बार पॉज कर लें और खुद से कोशिश करें, पॉज इट। आई होप अभी तक आपने ट्राई कर लिया होगा, आपसे आई होप क्वेश्चन निकला भी होगा, 2 मिनट 1 मिनट में क्वेश्चन निकल गया होगा। अभी नई नई टेक्निक सीख रहे हैं तो शायद 2 मिनट लग गए होंगे, लेकिन ये 1 मिनट में आसानी से हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो फैक्टर्स जो है देखिए, 4P², पेपर में तो ये सब लिखने का टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन देखिए इसके फैक्टर्स 2/2, इसके फैक्टर्स 2/7, राइट। बहुत आसान क्वेश्चन है, 15 चाहिए, ये तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है, 2 × 2 = 4 × 8, 8 और 7 है दोनों प्लस के, राइट, 8 और 7 = 15, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था आपके लिए। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/4, ये तो सीधा सीधा -8/4, राइट, ये आपकी -2 बन गई है, और दूसरी पी की वैल्यू है -7/4, ये आपकी बन गई है -1.30 आ गया था, 1 पॉइंट -1.7 के तकरीबन तकरीबन, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो 8 नहीं, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत लोग कहते हैं कमेंट्स में, सर आपको कैलकुलेशन करना आता, 8Q² स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो मैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन एंड तक जाके नहीं घुसता हूँ, मतलब एंड तक निकालने की कोशिश नहीं करता हूँ। आप अपना टाइम बचाएं, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाएं, 10-10 सेकंड करके हर एक क्वेश्चन में बचाएंगे, तो एंड में आपको 2-3 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो आप उसमें 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो कट ऑफ आधे आधे मार्क्स से लोग फेल हो जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में अप्रॉक्सीमेशन करके अगर आप अपने 3-4 मिनट बचाते हैं और एंड में आपको 4-5 स्कोर का नंबर अगर आपका बेटर आ जाता है तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। इंस्टेड की कुछ नया करने के, नई किताबें पढ़ने के, आप अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करें, राइट। थोड़ा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दें, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देंगे, अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे थोड़ी सी, तो आपका स्कोर ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। तो चलिए क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। 8Q² + 30Q + 27, राइट, इज इक्वल टू 0। अभी ये 2 का क्यूब है और ये जो है 3 का क्यूब है। अभी आपको 30 चाहिए, कैसे लेकर आएंगे 30, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए क्या वैल्यूज बनेंगी जिससे आपका 30 आए। चलिए ध्यान से देखते हैं, ये देखिए, ये ऊपर जो मैंने जिस पे टिक लगाया है, 2 × 2 = 4, 3 = 12 और 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 18, ये दो नंबर हैं, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 18, 2 × 4 = 12, यस। तो ये दोनों प्लस में चाहिए, राइट, तो आंसर जो है आपका नया माइनस में आएगा, ऑब्वियसली माइनस में आंसर चला जाएगा। अभी दिस इज गोइंग टू बी लाइक -12/8 और दूसरा आंसर आएगा -18/8, सिंपली से सॉल्व करें, -3/2 आ गया, -1.5, राइट। ये जो है -9/4, ये आपका आ जाएगा 4×8 और 1 0,
फिर से 4 दुनिया 8, तो ये आपके अभी आंसर वैल्यूएशन वैल्यू आ चुकी है। -2 है पी की वैल्यू, अभी यहाँ पे पी की वैल्यू -2 आ चुकी है। -2 जो है इन दोनों के बीच में आता है, जब भी कभी पी की वैल्यू लेफ्ट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में आ जाती है, तो आप नो रिलेशन को टिक करेंगे और घर आ जाएंगे, राइट। क्योंकि आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाए ना, या इससे बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, राइट। या तो पी क्यू से बड़ा हो, या छोटा हो, या बराबर हो, अगर इनके बीच में कहीं आ गया, ना तो ये -2 क्यू से बड़ा है ना छोटा है, राइट, नेदर इट इज मोर देन नॉर लेस देन, और ना ही ये इक्वल टू है, तीनों जो साइंस है तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो नो रिलेशंस, राइट। तो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, -1.7 को तो देखेंगे भी नहीं, लेकिन -1.7 भी इसी के अंदर कहीं आता है, राइट। तो चलिए छोड़िए इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं। 3p का स्क्वायर -59 +286। कोशिश करें हर एक क्वेश्चन जो मैं स्टार्ट करता हूं तब अपना वीडियो पॉज करें और कोशिश करें खुद से सॉल्व करने की। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, पेन और पेपर लेके नहीं वीडियो देखने बैठेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है सेशंस को देखने का। प्लीज पेन लें, पेपर लें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। 3p का स्क्वायर -59p +286। अभी यहाँ पे 3 तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अभी 286 के फैक्टर्स मेरे को बनाने हैं, पहले तो 2 से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो 2 से डिवाइड होके माइंड में ही कर लें यार, इस बड़े आराम से हो जाएगा, 143 आ जाता है। अब 143 3 से नहीं होता है, राइट, 3 चौके 12, 2 3 नहीं होता है, तो 23 बचता है। तो 11 से होता है जी, बिल्कुल होता है, 7 से भी नहीं हो रहा था तो सीधा 11 पे गया और 11 से हो गया। 11 से करने के बाद सीधा 13 बचाइए, वैसे 13 को 11 से मल्टीप्लाई करो, सीधा 143 आ जाता है। ये दिमाग में मेरे भी नहीं आया, हो सकता है आपके भी ना आए कई बार, राइट। तो ये आपके फैक्टर्स बन जाते हैं। अभी ध्यान से देखें, 59 बनाना है तो सिंपली 13 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा बनता है 26, 26 और 33 को मैं जब ऐड करता हूँ तो जी बिल्कुल बन गया अपना 59, राइट। तो 33 और 26 दोनों माइनस में चाहिए, तो जो पी की वैल्यू है ये निकल के आएगी आपकी 33/3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 11। दूसरी पी की वैल्यू जो है ये आपकी आ जाएगी 26/3, 3×8=24.66, ये आपकी वैल्यू जो है पी की आ चुकी है। अभी क्यू वाली दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 2q का स्क्वायर -33q +136=0। इसको ध्यान से देखें, अभी 2 चाहिए फैक्टर आपको, मल्टीप्लाइड बाय 136 के क्या फैक्टर्स बनते हैं देख लीजिए। सीधा सीधा 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 2 से डिवाइड होकर कितना हो रहा है, 6, और 2 2 6 12, और 1 6 8, और 68 ये फिर से 2 से हो रहा है, राइट। ध्यान से देखें इसको, और फिर से 2 से हो जाएगा एक बार, और फिर से 2 से हो जाएगा, और एंड में 34 है, 34 को 2 से डिवाइड किया, 17 बचा, तो 17 बचता है आपके पास यहाँ पे। तो अभी इसको ध्यान से देखिए, आपको 33 वैल्यू चाहिए, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, 16 और 17 कितने हो जाते हैं आपके, ये 33 बन जाता है। ये आप बनाइए -16 और -17, क्योंकि वैल्यू क्या आएगी, 16/2, ये तो आपकी सीधे सीधे आ गई, एक तो 8 आ गया, दूसरी क्योंकि वैल्यू है 17/2, ये आपकी आ जाएगी 8.5, दोनों प्लस में है। अभी यहाँ से ध्यान से देखिए, क्या आप 11, 8 और 8.5 से बड़ा है, जी हाँ बिल्कुल बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग पी इज ग्रेटर देन क्यू, और 8.66 है जो ये भी उससे बड़ा है क्यू से, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो आंसर है वो ये है, पी इज ग्रेटर देन क्यू, और ये आपका आंसर है। एक्स को यहाँ पे पी समझ लें, पी और क्यू ये ऑप्शंस हैं, इसको छोड़िए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, पॉज कीजिए वीडियो को, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आपके लिए सॉल्व जरूर कर देता हूं मैं सेम टेक्निक से। ये काफी सारे क्वेश्चंस, एक्चुअली 2 क्वेश्चंस तो मुझे स्टूडेंट्स ने मेल किए थे, कमेंट्स में डाले थे, तो आप सबके जो कमेंट है उसका तो मैं रिप्लाई करता रहता हूँ, आपको पता है। 16p का स्क्वायर +40p -75=0। अभी 16 का तो आपको फैक्टर सीधा सीधा पता ही है भाई, ये मेरे फैक्टर्स बनते हैं, राइट। 75 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, ये 5 से भी डिवाइड होगा, 15 5 75 होता है, ठीक है,
पांच तो है ही है, 15 का फैक्टर जो है 3 और 5, राइट। तो ये माइंड में फैक्टर जो है बना लीजिए। अभी आपने 40 लेकर आना है तो कैसे लेकर आएंगे, 40 लेकर आना है। एक चीज ध्यान में रखिए कि 40 लेकर आना तो मुझे पता है, मुझे 5 और 2 को एक बार मल्टीप्लाई तो जरूर करना पड़ेगा ताकि मेरी 10 में एक वैल्यू बन जाए, समझ रहे हैं। हर एक बंदे का अपना अपना स्किल होता है, यहाँ पे स्किल काम आएगा आपका, यहाँ पे कोई टेक्निक या शॉर्टकट कुछ भी काम नहीं आएगा, यहाँ पे आपका स्किल काम आएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये जो यहाँ से अगला स्टेप जो आता है इसी में टाइम लगता है, दिस इज द ओनली टाइम कंज्यूमिंग थिंग, और कुछ भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। 2 5 10 आ जाएगा आपका, राइट, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 20 आ जाएगा, राइट। और बाकी के नंबर हैं उनको एक बार देख लेते हैं, 2 दुनी 4 थी, 12 5 60, 60 है और 20 है, 60+ का रहने दीजिए, 20- का आ जाएगा। तो ये आपकी एक्स की वैल्यूज निकल के आएंगी, अभी पी की वैल्यूज, एक्चुअली पी इज इक्वल टू -60/16, और दूसरी पी की वैल्यू है 20/16। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 16 से ही सीधा ही मल्टी, 60 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सिंपल नंबर्स चाहिए, पॉइंट में आंसर चाहिए, राइट। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, राइट, तो बाकी 12 बचा है, तो इट इज़ लाइक 7, और उसके बाद जो बचा है वो 5, ये माइनस में आंसर आएगा। 20 को डिवाइड करना है 16 से, तो मेरा यहाँ पे पहले तो 1.40 है, तो यहाँ पे बनता है मेरा 2 16 2 32, और यहाँ पे 5, राइट। ये मेरी पी की वैल्यूज आ चुकी हैं, क्यू की वैल्यूज निकालते हैं, 16Q²-72Q+65 इज इक्वल टू 0। अभी ध्यान से देखिए इसको, 16 के फैक्टर्स तो बन गए मेरे, राइट। अभी 65 के फैक्टर्स मुझे बनाने हैं, ये आपको पता है 13 5 65 होता है। अभी 72 निकालना है मुझे, मैं कैसे निकालूंगा, राइट। तो इसको ध्यान से देखिए, 13 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा बनता है 65, 2 2 का 4 2 का, यहाँ पे 2 की पावर 4 जो है ये आपकी बन जाती है, 2 की पावर 4 ये आपकी बन जाती है, एक सेकेंड रुकिए, 2 की पावर 4 आपकी बन जाती है, इट्स लाइक 0.5 13 5 का, इट्स लाइक, नहीं, ये आपका नहीं बनेगा, फिर से तो ज़्यादा आगे चले गया। 13 को अगर मैं 4 से करूँगा, इसको देखिए, 13 4 का 52 ये बनेगा, 13 4 का 52, और 5 दुनी 10 दुनी 20, हाँ जी हाँ, अभी ये बन रहा है आपका। थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको भी होगी, आपको इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन, आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करेंगे तो ही बेटर रहेगा। जैसे मैंने अभी किया, 65 किया और थोड़ा सा दूर मुझे लगा हो गया, मुझे 65 से मतलब मैंने किया 13 को मैंने 5 से जैसे मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे लगा यार 65 थोड़ा सा नंबर मेरा ऊपर चले गया, तो यहाँ पे मैंने 13 को 5 से नहीं किया, 13 को मैंने 4 से किया, तो 52 आ गया। बाकी के नंबर हैं जो बिल्कुल अभी मेरे आंसर है, अभी मेरा ये बिल्कुल 72 बन चुका है, दोनों माइनस में है, तो क्यू की मेरी जो वैल्यू है यही स्किल है, यही आपको सीखना है। तो डरना नहीं है कि एक दो बार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ग्रेजुअली आपका टाइम जो है वो कम लगेगा। क्यू की वैल्यू देखिए यहाँ पे 52/ आएगी आपकी 16, राइट, और दूसरी क्यू की वैल्यू है 20/16, इसको पॉइंट्स में निकाल लीजिए, 13/4 इज इक्वल टू 3.25, राइट। यहाँ पे जो वैल्यू है ये आपकी निकल दी है 1.25। तो चलिए, पी की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, एक सेकेंड, तो चलिए पी की वैल्यूज है हमारे पास -3.75, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो ये बिल्कुल छोटी है पहली इक्वेशन के हिसाब से, पहली वैल्यू जो पी की मैंने कंपेयर की उसके हिसाब से बिल्कुल पी जो है ये छोटा है क्यू से, और दूसरी जो वैल्यू है उसके हिसाब से पी जो है इज लेस देन इक्वल टू क्यू, क्योंकि ये 1.25 है, ये भी 1.25 है, एक एक वैल्यू उसके बिल्कुल बराबर है, दूसरी से बिल्कुल छोटा है, तो लेस देन इक्वल टू, जब आइए जब कंडीशन बन जाए तो ये आपका आंसर बन जाता है, पी इज लेस देन इक्वल टू क्यू, और दिस इज योर आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में डालिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसे कमेंट्स में डालिए, आपको लगता है कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आ रहे हैं
या आपने किसी भी बुक में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिकल्ट क्वेश्चन देखा है तो उसे प्लीज कमेंट में डालिए। आई प्रॉमिस कि मैं आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं उन सबका कोशिश करूंगा मैं जो सोल्यूशन प्रोवाइड करूं। एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज मैं एक मोबाइल में आई थिंक हम टेलीग्राम का एक ग्रुप स्टार्ट करें, तो अभी उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। एंड मे बी जब हम अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, अगला सेशन लेकर आऊँगा, तो उसमें जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसका मैं आप सबको जो है लिंक मैं बिल्कुल प्रोवाइड करूँगा, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि मैंने भी अभी तक उसे यूज़ नहीं किया है ज़्यादा, मैं भी सीख रहा हूँ। तो IBPS PU का मेगा प्रिपरेशन कोर्स जो है ये GKDigest.com पे अवेलेबल है। आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, साथ में वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, सब कुछ आपको IBPS PU मेगा प्रिपरेशन कोर्स में मिलेगा। और GKDigest एंड्रॉयड एप्लीकेशन ज़रूर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें ताकि आपको रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्टडी मटेरियल है मेरा वो मिलता रहे। तो चलिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो देख के, बहुत गलत चीज़ है, प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पे। थैंक यू।